अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म में आपने पैडमैन तो देखी होगी, पर अल्मोड़ा में भी एक ऐसा ही पैडमैन है जिसको आशीष पंत के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड में इस व्यक्ति की लोग वाहवाही कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आशीष पंत। आशीष, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने शुरुआत की थी, क्योंकि एक युवा होने के नाते, एक लड़के होने के नाते आपने एक पैडमैन के नाम से काफ़ी मशहूर है, कैसे आपकी शुरुआत हुई थी इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 का। जब मैं अपना पीजी कर रहा था, पीजी के दौरान हमें एक डिजर्टेशन बनाना पड़ता है, जिसमें मेरे मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई थी कि मुझे लगा कि इस विषय पर काम करना चाहिए, और मैंने अपने शोध का विषय महिला स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म को लिया, जिसको लेकर के हमने दौलाघट के गुरना गाँव में काम किया। पर जो वहाँ पर रिसर्च के दौरान फाइंडिंग्स आई वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, जिसमें देखने को मिला कि महिलाएं जो हैं वो कपड़े का प्रयोग करती हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वो कपड़ा ऐसा है जिसमें बच्चे पेशाब कर देते हैं, तो उनको हेल्थ और हाइजीन से जुड़ी हुई बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद हम निरंतर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति अवेयरनेस और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम निरंतर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी नया था, क्योंकि आप देखा जाता है क्योंकि लड़कियां इन जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनको लेती हैं, आपने लिया, तो कैसा था माहौल उस समय जब आप सब जगह जाते हैं, उसमें क्या रहता है? मुझे लगता है कि आमतौर पर, तो क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड में शायद ही किसी शोध विद्यार्थी का कभी विषय रहा हो, क्योंकि लड़कियां भी इस संवेदनशील विषय पर बात करने से बचती है, तो लड़का होने के नाते ऐसे चुनौतीपूर्ण विषय पर काम करना जरूरी मुझे लगता है कि बहुत, मेरे लिए भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, पर कहीं ना कहीं हमने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और लोगों के बीच जाकर काम किया। कई बार गांव से भी कई बार बाहर निकाला गया, कई लोग गांव के लोग सपोर्ट नहीं करते थे, पर मेरी जो गाइड थी प्रोफेसर इला शाह मैम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो महिला थी और महिला और पुरुष के बीच में जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन था वो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहा, जिसको लेकर के हम इस शोध कार्य को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ कर चुके हैं, लोगों के बीच जाते हैं, कई पॉलिटेक्निक स्कूल है, स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ जाकर उन लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाओं से, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन होते हैं? लगभग 3 वर्षों से, क्योंकि मैं इस काम को कर रहा हूँ, जो रिसर्च थी वो मेरी इंडिविजुअल रिसर्च थी, पर उसको फिर हमने सोशल कॉज के साथ जोड़ने का काम किया है, और आज के समय में एज अ सोशल कॉज हम इस मुद्दे को ले रहे हैं, और हम 3 सालों से लगभग कई गाँव में जा चुके हैं, और कई सरकारी संस्थाएँ हैं, जैसे DDU GKY की संस्थाएँ हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर जाके हम बात करते हैं। शुरुआत में लड़कियाँ आपस में बात नहीं करती थी, पर अब लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं हमें रिस्पॉन्स कर रही हैं, अपने अनुभवों को बता रही है, अपनी फर्स्ट पीरियड साइकिल के बारे में जो उनको एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ को शेयर कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि काम करने में मुझे भी एक हौसला मिल रहा है कि हाँ, इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, और कई लोगों का मुझे लगता है कि पूरा एक एज अ कम्युनिटी का मुझे इसमें सपोर्ट मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब आगे क्या करने वाले हैं, आगे शोध कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि जिस समय मैंने इस शोध कार्य को शुरू किया था उस समय मैं पीजी में था, और अब मैं PhD करता हूँ, तो मैंने उसमें भी इस विषय को एक्सटेंड किया है, और मैं स्कूली छात्राओं पर अब काम करने वाला हूँ कि उनको क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या उनकी चुनौतियाँ रहती हैं। और जब हम सोशल कॉज में देख रहे हैं कि महिलाएँ सैनिटरी नैपकिन जो है अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो उसको लेकर के हम चाह रहे हैं कि जल्दी एक ट्रस्ट को हम बनाएं, क्योंकि हमें कहीं से भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, हम कई विभागों में गए, हमें सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड नहीं किए गए, और कोई भी हमें इंडिविजुअल रूप से फंडिंग करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने एक फैसला लिया है कि हम एक ट्रस्ट के रूप में इसको मतलब संचालित करेंगे, और आगे जाके हम सैनिटरी पैड की मशीन अल्मोड़ा जनपद में लगाना चाहते हैं, जिससे हम निःशुल्क रूप से महिलाओं को नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है आशीष पंत, जो पैडमैन के नाम से पूरे उत्तराखंड में मशहूर है, साथ ही जल्द ही ये सैनिटरी पैड की हम मशीन लगाना चाहते हैं, और जिसको ये निःशुल्क बांटना चाहते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज 18 लोकल के लिए। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है आप लोग, क्योंकि हम ये जो भी बातें कर पा रहे हैं ये एक समाज के द्वारा हमने क्या है कि बहुत जगह पे कई